अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फरुख नवीद और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मर्करी का यूपीएस है चाइना मेडिट और उसकी हमने बैटरी की वायर बनानी है जो बैटरी और यूपीएस के दरमियान कनेक्ट होती है। अगर मैं आपको इसके प्रीवियस जहां पर बैटरी कनेक्ट होती है पॉइंट वो दिखा सकूँ तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 12 वोल्ट DC लिखा है, यहाँ पर प्लस का निशान और यहाँ पर माइनस का। यहाँ पर हम इनपुट देते हैं वापडा की लाइन और यहाँ से हम यूपीएस की आउटपुट उठाते हैं और ये हमारा बटन है जिस पर हम दो मोड सेलेक्ट करते हैं, वाइड एंड नैरो मोड। अब मैं आपको इसकी वायर बनाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम एक वायर ले लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी वायर है जो कि प्रॉपर तरीके से बैटरी को चार्ज नहीं कर रही थी क्योंकि जो इसके आगे पॉइंट्स मेटल के लगे होते हैं वो खराब हो चुके थे। तो मैंने तीन पॉइंट्स को अच्छी तरह से उतार लिया और अब हम इस पॉइंट को भी रिमूव कर लेंगे। इन पॉइंट्स को रिमूव करने के बाद आपने वायर्स को चारों तरफ से छील लेना है, दो वायर्स यानी कि सिंगल वायर की दो वायर्स को छीलना है दोनों साइडों से। तो मैं जल्दी से इन वायर्स को छील लूं। फ्रेंड्स, ये वाली वायर हमारी कॉपर नहीं है। अगर मैं आपको क्लोज करके दिखा सकूं तो ये कॉपर प्लस सिल्वर का मिक्सचर है, लेकिन ये भी प्रॉपर तरीके से काम करेगी। हम इनकी इंसुलेशन को रिमूव कर लेते हैं। हमने अपनी सारी वायर्स के सिरों को अच्छी तरह से छील ली है। अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूं तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं। अब हमने वायर्स के साथ थिम्बल्स को अटैच करना है। ये जो दो थिम्बल्स हैं ये बैटरी के कनेक्टर के साथ लगेंगे, ये जो उनसे दो थिम्बल्स हैं ये यूपीएस के पीछे कनेक्ट होंगे। तो मैं जल्दी से इनको वायर्स के साथ कनेक्ट कर लूँ। फ्रेंड्स, हमारे दो कनेक्टर्स जो उनसे हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं और बाकी के दो कनेक्टर्स भी हमने इसी तरह कनेक्ट करने हैं। फ्रेंड्स, हमने वायर्स के साथ थिम्बल्स को कनेक्ट कर दी, अब हमने इनकी सोल्डिंग करनी है। मेरा जो कावी है वो 30 वॉट्स का, इसलिए ये सोल्डिंग नहीं कर सक रहा, लेकिन आपने इसकी सोल्डिंग ज़रूर करनी है। सोल्डिंग करने के बाद आपने इसके ऊपर टेप को अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, हमने टेप को अच्छी तरह से अप्लाई कर दी है। अब जो हमारे बड़े सीढ़े हैं जिनके होल थिम्बल्स के बड़े हैं, जो छोटा साइज है ये यूपीएस के पीछे कनेक्ट होगा, जो बड़ा साइज है उसके साथ हम ये टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, बड़े सिरे के साथ हम टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो टर्मिनल को मिड में भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी इस स्क्रू के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको स्क्रू के साथ कनेक्ट करूंगा। हमने थिम्बल्स के साथ टर्मिनल्स को अच्छी तरह से कनेक्ट कर दी है और अब हम इन दोनों वायर्स को यूपीएस के पीछे कनेक्ट कर लेते हैं। प्लस माइनस आपने देखकर लगाना है।
फ्रेंड्स, कुछ यूपीएस के अंदर से इंटरनल जो सी वायर्स हैं वो आती हैं, और कहीं के पीछे इस तरह के मेटल स्ट्रिप्स दिए होते हैं जिनके साथ हमने वायर्स को कनेक्ट करना होता है। तो ये हमारा जो यूपीएस है इसकी इंटरनल वायर्स नहीं आ रही, तो इसलिए हमने एक्सटर्नल कनेक्ट की है, क्योंकि इसके साथ एक्सटर्नल वायर्स ही कनेक्ट होती हैं। अगर आपका यूपीएस इंटरनल है तो अगर आपकी वायर खराब हो गई है या फिर आपके टर्मिनल्स खराब है तो आप टर्मिनल चेंज कर सकते हैं। अगर कार्बन है तो कार्बन रिमूव करेंगे तो आपकी जो सी बैटरी है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। अगर आपकी वायर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है तो आपको उसकी वायर्स को यूपीएस के अंदर से रिमूव करके तो नई वायर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब हम यूपीएस को बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और फिर हम इसकी चार्जिंग को चेक करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने इस यूपीएस को इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर दी। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये फ्रेंड्स हमारा ऊपर वाला यूपीएस है। ये जो हमारी प्लस टर्मिनल वाली वायर है वो यहाँ पर कनेक्टेड है, और जो माइनस टर्मिनल वाली वायर है फ्रेंड्स, ये हमारी माइनस टर्मिनल की वायर है और वो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दी है। अब हम यूपीएस को ऑन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा यूपीएस ऑन हो चुका है और इस सॉकेट को अब हम वापडा में कनेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब ये चार्जिंग मोड पर शिफ्ट हो चुका है। अब हम इसके एम्पीयर्स को चेक करेंगे। फ्रेंड्स, 2.45 एम्पीयर से हमारी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।